नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। तेलंगाना राज्य बनने के बाद कांग्रेस पहली बार सत्ता में आई। मुख्यमंत्री पद का ताज रेवंत रेड्डी के सिर सजा, तो वहीं उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मल्लू भट्टी विक्रमार्क को सौंपी गई है। रेवंत रेड्डी के साथ 11 नेताओं ने मंत्री पद का शपथ लिया। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से तेलंगाना कैबिनेट का गठन किया ताकि राज्य की सियासी समीकरण को साधे रखा जा सके। सत्ता की कमान रेड्डी समुदाय को सौंपी गई, तो वहीं डिप्टी सीएम का पद दलित समुदाय से आने वाले भट्टी विक्रमार्क को दिया, जिनको कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे YS राजशेखर रेड्डी की फोटो कॉपी कहा जाता है। मल्लू भट्टी विक्रमार्क तेलंगाना कांग्रेस के दलित चेहरा माने जाते हैं। मथुरा विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार विधायक चुने गए हैं। 63 वर्षीय मल्लू भट्टी विक्रमार्क 2009 में पहली बार विधायक बने थे। उसके बाद 2014, 2018 और अब 2023 में चुने गए हैं। 2009 से 2011 तक तेलंगाना विधानसभा में विपक्ष के नेता और आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचेतक के रूप में कार्य किया है। 2011 से 2014 तक आंध्र प्रदेश के विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए हैं। वहीं 2018 से लेकर 2023 तक तेलंगाना में नेता विपक्षी की भूमिका निभा रहे थे। कांग्रेस के सत्ता में वापसी के बाद मल्लू भट्टी सीएम पद के लिए प्रबल दावेदार में से एक थे, लेकिन सियासी बाजी रेवंत रेड्डी के हाथों लगी तो उन्हें नंबर दो से संतोष करना पड़ा। हालांकि रेवंत रेड्डी अपनी कैबिनेट में दो डिप्टी सीएम बनाने की कवायदें कर रहे थे, लेकिन मल्लू भट्टी विक्रमार्क दलित समुदाय की माला जाति से आते हैं। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई स्थानीय स्कूल से करने के बाद हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा की पढ़ाई की। डिप्टी स्पीकर, वेप और असेंबली फ्लोर लीडर के रूप में काम कर चुके हैं। 2009 में विधायक बनने से पहले MLC रह चुके हैं। उनके सबसे बड़े भाई मल्लू अनंत राम मल्लू आंध्र प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष थे, तब तेलंगाना का गठन हुआ था। मल्लू भट्टी के मंझले भाई मल्लू रवि सांसद रह चुके हैं। इससे यह पता चलता है कि उन्होंने खुद को एक मजबूत दलित नेता के रूप में स्थापित किया है। वहीं KCR सरकार के खिलाफ जमीन पर सियासी माहौल बनाने का काम मल्लू भट्टी विक्रमार्क की अहम भूमिका मानी जाती है। उन्होंने पूरे तेलंगाना में 1300 किलोमीटर से अधिक पैदल यात्रा की थी। इससे मार्च का उद्देश्य लोगों के मुद्दों को समझना और उनके करीब जाना था। इससे राज्य में एक दिग्गज नेता के रूप में उनकी छवि मजबूत हुई और दलित वोटों को कांग्रेस के साथ जोड़ने में सफलता मिली। मल्लू भट्टी की पत्नी नंदिनी मल्लू एक गुजराती है, लेकिन खुद को तेलुगु संस्कृति में ढाल दिया है। वह समाज सेवा में लगी रहती है। मल्लू भट्टी के गैर मौजूदगी में निर्वाचन क्षेत्र का काम भी देखती है। इस तरह से मल्लू भट्टी की सहयोगी तौर पर है। कांग्रेस आला कमान और गांधी परिवार के साथ उनके अच्छे संबंध है, जिसका सियासी फायदा उन्हें मिला है और डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। मल्लू भट्टी न केवल सबसे अधिक दिखाई देने वाला दलित चेहरा है, बल्कि उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने सियासी समीकरण साधने की कवायद की है।